का न्यूज 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा से खुलने वाली वैशाली और बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में भी अब आप लिट्टी चोखा के साथ साथ खिचड़ी का भी आनंद ले सकेंगे। आपको बता दें कि IRCTC द्वारा जो है ये निर्देश जो है वो दे दिया गया है और इसको लेकर जो है अब इस ट्रेनों में जो है अब खिचड़ी के साथ साथ लिट्टी चोखा भी यात्रियों के सीट पर परोसा जाएगा। आपको हम बता दें कि अब रेल यात्रियों को वैशाली व बांद्रा हमसफर सुपरफास्ट सहित पूर्व मध्य रेलवे के सभी प्रेटिकार युक्त ट्रेनों में पौष्टिकता से भरपूर लोकल और चाइनीज नाश्ता और भोजन मिल सकेगा। IRCTC ऐसा मेन्यू ला रही है जो यात्रियों के हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद IRCTC ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अब जो है इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रेटिकार युक्त ट्रेनों में यात्री खिचड़ी, आलू चप, चाउमीन पेटीज जो है और प्याज कचौड़ी सहित अन्य लोकल और चाइनीज़ व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इसके लिए IRCTC द्वारा जो है व्यंजनों की क्वालिटी के साथ रेट लिस्ट भी जारी कर दिया है। वैशाली बांद्रा सहित राजधानी और तेजस जैसी ट्रेनों में जो है ये नया मेन्यू सिस्टम शुरू किया गया है। IRCTC ने पुराने मेन्यू के साथ अलग से नया मेन्यू को शामिल किया है। इससे यात्रियों को यह फ़ायदा मिलेगा कि ट्रेनों में अब हर तरह के व्यंजन का स्वाद यात्री ले सकेंगे। इससे वेज और नॉन वेज दोनों तरह के व्यंजनों के को जो है नए मेन्यू में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक के लिए मिलेट फूड भी मिल सकेगा, साथ ही गर्म गुलाब जामुन का भी यात्री स्वाद ले सकेंगे। वहीं IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया है कि यात्रियों के हेल्थ बेनिफिट के लिए IRCTC नया मेन्यू जो है वो लागू कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे की सभी प्रेटिकार युक्त ट्रेनों में नया मेन्यू लागू कर दिया गया है और रीजनल व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए जो है रेल यात्रियों के फीडबैक लेकर नया मेन्यू तैयार किया गया है। यात्री की नई सुविधा को देखते हुए जो है रेल लिस्ट में भी जारी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं यात्री भी अब जो है चाइनीज फूड के साथ साथ जो है लिट्टी चोखा और खिचड़ी का आनंद ले पाएंगे। अब यात्री मनपसंद खाना जो है अब ट्रेन में भी मंगवा सकते हैं और उसके रेट के मुताबिक भी जो है उससे कम पैसे में जो अच्छी क्वालिटी का जो भोजन है वो लोगों तक, यात्रियों तक जो है वो पहुँच पाएगी।